यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए कई उम्मीदवारों को सालों लग जाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी महिला आईपीएस की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में ही यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी पूजा अवाना की। पूजा ने यूपीएससी एग्जाम में 316वीं रैंक हासिल की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूजा अवाना ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सिर्फ 22 साल की आयु में ही यूपीएससी की कठिन परीक्षा को क्लियर किया। दरअसल पूजा अवाना के पिता विजय अवाना अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देखना चाहते थे। अपने पिता के इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी और यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई। पूजा अवाना शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही हैं। वह क्लास में ज्यादातर टॉप भी करती थी। पूजा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। साल 2010 में पूजा ने प्रथम बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन पहले प्रयास में वह असफल रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूजा ने दूसरे अटेम्प्ट के लिए ज्यादा तैयारी करने का फैसला किया और वह एक बार यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुई। इस बार पूजा को उनकी मेहनत का फल भी मिला और वह ऑल इंडिया में 316वीं रैंक लेकर आईपीएस अधिकारी बन गई। आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पूजा की प्रथम पोस्टिंग राजस्थान के पुष्कर में हुई। 2012 बैच की आईपीएस अधिकारी पूजा अपनी कार्यशैली के साथ अपने लुक्स के लिए भी चर्चा में रहती हैं। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को वह सलाह देती हैं कि असफल या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलने से निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और आपके पास अगर हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।